आज की वीडियो हम लोग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें कि आपसे पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में आपको बताना क्या है कि लुप्त संख्या कौन सी होगी, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। तो अगर क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पर 9 दिया गया है, यहाँ पर 81 दिया गया है, यहाँ पर कितना 729। अगर आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत फास्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर संख्या याद होना चाहिए और कम से कम 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे 9 दिया गया है, 81 दिया गया और यहाँ पे 729 दिया गया है। तो एक पैटर्न आपको इसमें दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर 64 है और ये जो है 512 है। तो अगर हम बात करें 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। अब 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। इसी प्रकार अगर इसमें हम देखें तो 8 लिखा गया है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब 8 का क्यूब कितना होगा, तो ये होता है 512। इसी प्रकार अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे 7 लिखा गया है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 343, जो कि 7 का क्यूब होता है, जो कि ऑप्शन में सी में ऑप्शन में दिया गया है 343, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा 343। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखें पुलिस, अपराधी और जज, इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो पुलिस, अपराधी और जज, कई लोग इस तरीके से करेंगे कि पुलिस, अपराधी जो है पुलिस के कब्जे में रहता है, उसका फैसला जज देते हैं। तो इस तरीके से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अपराधी अलग होता है, पुलिस अलग होती है और जज अलग होता है। तो इस टाइप का आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम बनने वाला है। देखिए किस में दिया, ए में नहीं दिया गया, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बी ऑप्शन में दिया गया कि बिल्कुल सेम टू सेम यही आपका वेन आरेख बनने वाला है, पुलिस, अपराधी और जज का, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए एस टी ओ पी को क्या लिखा जा रहा है, 19, 20, 15, 16। तो पोर्ट्स को इसी भाषा में, कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा या किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको ए से जेड तक के सारे लेटर्स का पोजीशन याद होना चाहिए कि कोई भी पूछ ले कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे पड़ता है तो आप तुरंत उसका जो है उसको बता दें। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको पोजिशन याद रहता तो यहाँ पर दिख रहा है कि एस का लिखा जा रहा है 19, टी का लिखा जा रहा है 20, ओ को लिखा जा रहा है 15, पी को लिखा जा रहा है 16। तो ये किस प्रकार लिखा जा रहा है, एस आता है 19 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। तो यही उठा के कोड लिख दिया गया है। इसी प्रकार पी ओ एस टी को देखेंगे हम तो पी ओ आता है 16 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे और एस आता है 19 पे। तो क्या हो जाएगा, 16, 15, 20, 19 किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए श्रृंखला को आपको पूरा करना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5, 4, 10, 8, 15। तो जब भी कभी भी सीरीज में आपको इस तरीके से दिखे कि यहाँ पे देखिए घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो ऐसे अगर आपको कहीं भी पैटर्न दिखे तो इसमें आपको क्या लगाना है, अल्टरनेट सीरीज चेक करना है। क्या लिखा गया यहाँ पे, 5, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 15 लिखा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप देखें अल्टरनेट पे तो ये हो रहा है 5 का 10 हो रहा है, 10 का 15 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 का 8 हो रहा है, तो 8 का कितना होना 12 होगा, 4 × 8 = 12, ठीक है। तो 12 ऑप्शन ए में दिया गया, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या किया गया है, 5 × 10, 5 × 3 = 15, या तो ऐड किया गया है, ये भी कर सकते हैं, 5 में प्लस ऐड करेंगे प्लस 5 10 हो गया, फिर प्लस 5 ऐड करेंगे 15 हो गया, यहाँ पे प्लस 4 करेंगे 8 हो गया, फिर प्लस 4 यहाँ पे करेंगे तो ये 12 हो गया, जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे बी पी ई एम एच जे के और जी लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पे, यानी क्या किया गया है, प्लस 3 किया गया है। यहाँ पे एच आता है कितने नंबर पे, एच आता है 6 पे,
तो ये इसमें भी प्लस 3 किया गया है। यहाँ पे कितना है, एक सेकेंड, एच आता है 8 पे, तो यहाँ पे कितना ऐड किया गया है, यहाँ पे 3 ऐड किया गया, 5 हो गया, 5 में 3 ऐड किया गया, 8 हो गया। फिर एच होता है 8 पे, तो इसमें प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि के होता है के 11 पे, तो इसमें भी अगर 3 ऐड करेंगे तो 11, और 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 मतलब एन। ठीक है, यहाँ पे पी देखेंगे, पी में एम एम आता है आपका 13 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, यहाँ पे क्या किया गया, -3, इसमें से फिर -3 किया गया, तो J10 आ गया, J में से -3 करेंगे तो G7 आ गया, अब इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 होता है D पे। ठीक है, तो N और D, B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। पहले इसमें क्या किया गया, पहले लेटर में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 किया गया, दूसरे वाले में क्या किया, -3 -3 -3 किया गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एन और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को आपको चुनना है। क्या कहा जा रहा है, मान ये व्यवहार का संबंध जिस प्रकार मनोवैज्ञानिक से मनोविज्ञान से है, उसी प्रकार पादप का संबंध किससे होगा। तो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के तहत, तो पादप यानी पौधों का अध्ययन किसके तहत किया जाएगा, तो वनस्पति विज्ञान के तहत किया जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राणियों का अध्ययन प्राणी विज्ञान के तहत किया जाता है, इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्दों को पहचानना है आपको, फेफड़ा, पैर, आंत और जिगर। तो अगर आप बात करें फेफड़े की, तो इंटरनल ऑर्गन है, पैर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक्सटर्नल ऑर्गन है, आंत भी इनसाइड होता है और जिगर भी अंदर होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें अलग है, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्न में, ये बहुत सही क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए ट्राई करिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है, 7 का संबंध जिस प्रकार 77 से, उसी प्रकार किसका संबंध इसमें क्या होगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें 7 7 * 11 करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें किसी में और में 11 से गुणा करें तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अब कुछ और ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे 7 में 11 का गुणा किया गया, यानी कि 7 एक संख्या दिया गया है प्राइम नंबर, उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके क्या लाया गया, 77। इसी प्रकार इसमें देखें 3 3 का अगला प्राइम नंबर 5, ये नहीं हो रहा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, इसमें 11 प्राइम नंबर है, तो 11 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, तो ये होता है 13, तो 11 और 13 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 143, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इसमें आ गया। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का दर्पण छवि चुनना है, 2 4 6 3 5 और 7, तो इसमें आप 7 से ही पकड़ लेंगे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। यहाँ पे देखिए मिरर इमेज लेंगे तो 7 उल्टा हो जाएगा, 7 उल्टा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट गया, ये जो है सीधे उल्टा कर दे रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैसे, 7 को अगर इस तरीके से इधर लिखा गया तो ये 7 इस तरीके से इधर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी जो है प्लस को दर्शाता है, क्यू माइनस को, और आर डिवीजन को, और एस जो है मल्टीप्लिकेशन को, तो इसको लिख लेते हैं। 18 एस का मतलब क्या लिखा गया है, एस का मतलब बूढ़े, बूढ़े। 36 फिर आर का मतलब क्या है, आर का मतलब डिवीजन, डिवीजन करेंगे किससे, 12 से। फिर क्यू लिखा गया है, क्यू का मतलब होता है -6। फिर पी लिखा गया है, पी का मतलब प्लस 7, तो यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 और 18 में 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54। 54 में से यहाँ पे देखिए 6 -6 और +7, तो यहाँ बचेगा कितना, +1, तो ये 54 1 55 आपका 55 जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, 55 इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया CUZA को लिखा जा रहा है HYCC, CUZA को लिखा जा रहा है HYCC। अब C होता है 3 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे, ठीक है, U होता है 21 नंबर पे, Y होता है 25 नंबर पे, तो यहाँ पे देखिए 21 हो गया, ठीक है, Z आता है 26 नंबर पे, ये आता है 3 नंबर पे,
एक आता है, ए जो है एक नंबर पे आता है और सी आता है तीन नंबर पे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 3 से 8 हो रहा है, यानी प्लस 5 21 से 25 हो रहा है, प्लस 4 पहले क्या हो रहा है, प्लस 5 फिर प्लस 4 फिर यहाँ पे देखेंगे 26 से 3 हो रहा है, यानी प्लस 3 हो रहा है और प्लस 2 हो रहा है। लॉजिक समझ में आ गया कि पहले प्लस 5 किया जाएगा, फिर प्लस 4 किया जाएगा, फिर प्लस 3, फिर प्लस 2। तो यहाँ पे एन होता है 14, 14 5 19 करेंगे तो आ जाएगा एस। यहाँ पे ये 14 है, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, तो आर होता है 18 नंबर पे। यहाँ पे जे 10 है, जे 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 होता है एम पे। ओ यहाँ पे है 15 नंबर पे, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 होता है क्यू, तो ये हो जाएगा एस आर एम क्यू। लॉजिक एक बार और देख लीजिए, इसमें प्लस 5 किया जा रहा है, इसमें प्लस 4 किया जा रहा है, इसमें प्लस 3 एक ऐड किया जा रहा है, इसमें प्लस 2 किया जा रहा है, तो ये 14 होता है, 14 में प्लस 5 करेंगे तो 19 होगा, 19 होता है एस। यहाँ पे 14 है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18 होता है आर। जे होता है 10 पे, 10 में ऐड करेंगे 3 तो ये होता है 13, 13 का होता है एम। वो होता है 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 का होता है क्यू, तो एस आर एम क्यू बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा आकृति जो है निर्मित है, तो यहाँ पे देखें अगर कौन सा जो है किसमें इनबिल्ट है या अंतर्निहित है, तो सेम टू सेम अगर आप देखें इसमें नहीं है, इसमें आपको यहाँ पे सेम टू सेम डायग्राम जो है दिख जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और किसी में नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए प्रश्नाकृत को आपको पूरा करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका क्या आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बिल्कुल मैं जूम कर देता हूँ इसको, आप लोग अच्छे से आप लोग देख लीजिए और इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।